आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूँ। आज जिस लेख को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उसका विषय अत्यंत रोचक है और यह लेख न केवल सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक हालात बयां करता है दलित बहुजनों का, बल्कि उनकी दुखती रख पर भी हाथ रखता है। यूं तो हम आधुनिक सदी में प्रवेश कर चुके हैं, अर्थात 21वीं सदी के दो दशकों को सुगमता से पार कर गए हैं, लेकिन आज भी सामाजिक और धार्मिक स्तर की जहां तक बात है, दलित बहुजनों के लिए ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा वर्ण व्यवस्था के शुरुआती दौर में था। अपनी बात को कहने के लिए एक छोटी सी भूमिका मैं बांधना चाहूंगी, और ये भूमिका है, भूमिका के लिए मैं सुभाष गताड़े जी के एक आर्टिकल का छोटा सा अंश आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। आर्टिकल है, आर्टिकल का शीर्षक है, नाथ द्वारा से मार्कंडेय तक भेदभाव के प्रार्थना स्थल। लेख भी इसी ओर इशारा करता है, बस समय अवधि थोड़ी सी आगे पीछे की तरफ से बढ़ा दी जाए। यदि इसको डॉक्टर अंबेडकर के मंदिर प्रवेश आंदोलन से लेकर देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति श्री कोविंद जी तक बढ़ा दिया जाए, तो ये अपने आप में मुकम्मल दास्तां है। सुभाष गताड़े जी, जिन्होंने, थोड़ा सा परिचय में दे दूं, सुभाष गताड़े जी ने माउंटेन मैन दशरथ मांझी के ऊपर एक छोटी सी किताब लिखी थी, जो महाराष्ट्र में बतौर टेक्स्ट पढ़ाई भी जाती है। और जब दशरथ मांझी की जयंती पर आपने, रतन जी ने जो एपिसोड बनाया था, उसमें भी उनका जिक्र देखा होगा, पिक्चर्स में उन्हें देखा होगा हिंदू कॉलेज में। वे लिखते हैं कि 21वीं सदी की दूसरी दहाई में जब संविधान लागू हुए 60 साल बीत गए और अस्पृश्यता के उनके तमाम रूपों में समाप्त करने को लेकर आधिकारिक ऐलान किया गया हो, मतलब ये तो लेख जो है वो 2013 का है, आज हम 2021 में चल रहे हैं, तो काफी पुराना लेख है। तो इसमें जो बात कही गई है मोटे तौर पर, वे ये कि आजादी मिलने से आज तक सबसे ज्यादा जो घोषणाएं हुई हैं, वे अस्पृश्यता मिटाने की घोषणाएं सबसे ज्यादा हुई हैं, लेकिन इस ओर कभी कोई ठोस कदम नहीं लिया गया, ये केवल घोषणाएं और सिद्धांतों तक ही रह जाते हैं। और इसमें तब क्या इस बात की उम्मीद की जा सकती है किसी प्रार्थना स्थल पर बाकायदा बोर्ड लगाकर अनुसूचित तबके के लोगों के प्रवेश पर पाबंदी की बात लिखी गई हो। सबसे ज्यादा आज भी अनुसूचित जाति के लोगों का प्रवेश मंदिरों में निषेध है, यहां तक के देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति श्री कोविंद जी को भी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर पूजा करने की अनुमति दी, उनको भी मंदिर प्रवेश का अवसर नहीं मिल सका। ये हालात हैं इस देश के 75वीं वर्षगांठ मनाने के बावजूद। आइए लेख की तरफ बढ़ते हैं। लेख का शीर्षक है हरिजन मंदिर अग्निवेश। समाज का कसमसाना प्रगति का लक्षण है, परिवर्तन का लक्षण है। जो समाज कसमसाता नहीं, वह जड़ रह जाता है। बिल्कुल सही बात है। और ये कसमसाहट किन में ज्यादा है? दलितों में सबसे ज्यादा है। अनुसूचित जाति के लोगों में कसमसाहट सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, जो उनकी महत्वाकांक्षाओं के रूप में बाहर आती है। इस कसमसाहट के कारण इक्का दुक्का घटनाएं होती ही हैं। ये प्रतीक हैं व्यापक परिवर्तन और विकास की इच्छा के। ये घटनाएं अच्छी भी होती हैं और दुखदायी भी। ये घटनाएं अच्छी होती हैं और दुखदायी भी। क्यों अच्छी? इसलिए कि समाज आगे बढ़ने के लिए, तरक्की के लिए महत्वाकांक्षी है। कसमसाहट है उसमें अपने आप को, अपने भाग्य को बदलने की। और दुखदाई इसलिए कि जब जब इस तरह का प्रयास अनुसूचित जाति के लोग करते हैं, तब तब उनके खिलाफ, जहां वे प्रयास करते हैं वहां तो मारपीट के उनको दबाने की कोशिश की ही जाती है, उसके साथ साथ ये हिंसा पूरे देश के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्तर पर भी होती है। एक
व्यापक कसमसाहट हरिजनों के बराबरी के अधिकारों की है। संविधान में इसकी मदद के लिए प्रावधान है। समाज में तो प्रावधान है, लेकिन क्या वो आज तक कभी लागू हुआ गया? संविधान में तो प्रावधान ये भी है कि आप किसी को मंदिर जाने के लिए रोक नहीं सकते, लेकिन क्या आज है ऐसा? बाकायदा बोर्ड लगाकर प्रवेश निषेध करवा दिया गया है। समाज में ये ऊंचे वर्णों के साथ बराबरी चाहते हैं, छुआछूत कानून द्वारा वर्जित है, मगर कानून द्वारा तो हत्या भी वर्जित है। समाज में व्यवहार में कानून का प्रतिफल हो तो उसकी सार्थकता है। ये बात बिल्कुल वैसी ही है जैसे डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि कोई भी संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, उसको लागू करने वाले अच्छे या बुरे हो सकते हैं। कि कानून तो बन गया है, लेकिन उसको लागू करने में अभी बहुत सारी रुकावटें हैं, अड़चने हैं। दो घटनाएं एक साथ घटी। नाथ द्वारा मंदिर में हरिजनों का प्रवेश शांति से करा दिया गया, प्रवेश शांति से करवा दिया गया। इसकी भी कई इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं, जो थोड़ा सा आगे सेंटेंस पढ़ने के बाद हम करेंगे। वे स्थानीय हरिजन थे, इसीलिए पहचाने हुए थे। स्थानीय हरिजन हो तो पहचाना जा सकता है, मशहूर आदमी हो तो पहचाना जा सकता है। वरना पुरी के निरंजन देव को क्या पता कि सारे देश में जो दर्शनार्थी मंदिर में आते हैं उनमें कौन हरिजन है। बिल्कुल सही बात है, स्थानीय हरिजनों का शांति से प्रवेश करवा देना, शांति से बिना किसी हुड़दंग के, बिना किसी शोर शराबे के, पूरे एक अधिकार स्थापित करते हुए, एहसान जताते हुए कि तुम्हें मंदिर में प्रवेश करवाया जा रहा है तो अपनी हैसियत के हिसाब से चुपचाप चले जाओ, ये भी एक इंटरप्रिटेशन हो सकती है। और दूसरी ये कि वे तो पहचाने हुए थे, मालूम था, एक ड्रामा पेश करना था सो कर दिया कि हरिजनों का प्रवेश करवाया है। और दूसरा ये कि मशहूर आदमी को पहचाना जा सकता है, जैसे हमारे प्रथम नागरिक जो राष्ट्रपति होते हैं श्री कोविंद जी, सभी उन्हें पहचानते हैं कि वे किस जाति से आते हैं। सामाजिक तौर पर तो उनका स्थान काफी ऊंचा है यदि उनके सामाजिक स्तर को देखा जाए, लेकिन वर्ण के स्तर पर यदि देखा जाए तो वे किस वर्ण से आते हैं, ये उन्हें अच्छी तरह जता दिया गया धार्मिक स्थलों पर। वरना पुरी के निरंजन देव को क्या पता कि देश में जो दर्शनार्थी मंदिर में आते हैं उनमें कौन हरिजन है। वो इसकी बहुत ज्यादा परवाह भी नहीं करते, क्योंकि ब्राह्मण मुट्ठी भर हैं और जो हरिजन आते हैं वे चढ़ावा भी चढ़ाते हैं, और मंदिरों को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए संपत्तियों पर कब्जा भी तो जरूरी है, जो हरिजन स्वयं ही चढ़ाकर उन्हें दे देते हैं। बंबई, दिल्ली, इलाहाबाद के शहरी मंदिर हरिजन मंदिर में आते होंगे, पर पुजारी उन्हें पहचानते नहीं हैं। सही बात है, लेकिन इसकी भी इंटरप्रिटेशन है। पुजारी उन्हें पहचानते नहीं हैं, इसीलिए शायद जो बहुत पुराने मंदिर हैं जिनके ऊपर पूरा धार्मिक आधिपत्य जो रखते हैं, वे मंदिर में जाने से पहले होली डिप करवाते हैं, जिसे स्नान बोला जाता है। और उसमें स्नान करने में जब आपके ऊपर के कपड़े उतरते हैं तो ये अच्छे से पता चल जाता है, जांच पड़ताल हो जाती है उन कपड़ों के उतरते ही कि किसने जनेऊ धारण कर रखा है और किसने नहीं कर रखा है। व्यापक समाज में सब मेलजोल हो गया है, विभाजन है तो स्थानीय स्तर पर। व्यापक समाज में मेलजोल तब हो गया है जब आप जात छुपा कर रहते हैं। कोई स्वेच्छा से आपकी जात जानने के बावजूद भी आपसे मेलजोल बढ़ाए तो वो एक अलग बात है। और बड़ा सवाल है, इस मान्यता को खत्म करना जिसके अंतर्गत हरिजनों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है। कभी किसी जमाने में जब वर्ण व्यवस्था मजबूत थी, सामंतवाद था, ऊंची जातियों ने अपने मंदिर अपने लिए सुरक्षित रखे थे, उनमें नीची जाति के लोग नहीं जा सकते थे, जाते भी नहीं थे, नहीं जा सकते थे, जाते भी नहीं थे, क्योंकि दिमाग में ये बात बिठा दी गई थी और इतना डर भी बैठा दिया गया था कि कभी किसी ने प्रवेश करने की कोशिश भी की होगी तो उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया होगा कि दूसरों के हौसले पस्त हो गए होंगे। जाते भी नहीं थे। पुरी का मंदिर नाथ द्वारा और तिरुपति बड़े और मशहूर मंदिर हैं, जिनमें हरिजन प्रवेश कराना
उस पुरानी मान्यता को ध्वस्त करना है, वरना गांवों और कस्बों में मंदिरों का क्या हाल है, वहां कोई आंदोलन नहीं है। वो दमित हैं, दबे कुचले हैं, उन्हें मालूम है कि सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करना है। स्थानीय हरिजनों को यह बात अच्छे से पता होती है, यदि करने की कोशिश की तो उनके साथ किस तरह का व्यवहार होगा, क्या सुलूक होगा, ये भी वे अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए शायद वे कभी इस तरह की कोशिश नहीं करते होंगे। पुरी का मंदिर, नाथ द्वारा और तिरुपति बड़े मशहूर मंदिर हैं। इनमें हरिजन प्रवेश कराना उस पुरानी मान्यता को ध्वस्त करना है, वरना गांव और कस्बों के मंदिरों का क्या हाल है, वहां कोई आंदोलन नहीं है। हरिजन मंदिर प्रवेश की लड़ाई लड़ता ही नहीं, बल्कि धार्मिक उत्सव में सब वर्णों के लोग एक साथ शामिल होते हैं। धार्मिक उत्सवों में सिर्फ शामिल किया जाता है, शायद चढ़ावा भी बहुत ज्यादा आता है धार्मिक उत्सवों में, ये भी एक वजह होगी शामिल कर लेने के सभी वर्णों के लोगों को। पुरी के शंकराचार्य इंदिरा गांधी को जानते थे, यह जानते थे कि इनका पति फारसी था, उन्होंने फारसी को मंदिर में नहीं जाने दिया। उसी पुरी मंदिर में कितने हरिजन जो पहचाने हुए नहीं है जाते हैं। करारा व्यंग्य है कि इंदिरा गांधी के पति फारसी थे, फिरोज खान, शायद यही नाम था, आई एम नॉट श्योर, उनको जाने नहीं दिया गया था। क्या ये एक वजह हो सकती है कि राहुल गांधी क्यों अपना जनेऊ दिखाते हैं? जस्ट आस्किंग। नाथ द्वारा में जो हुआ अच्छा हुआ, हरिजन भीतर गए, उन्हें पुरोहितों ने वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया और उन्होंने पूजा की। यों स्वर्णों में भी कितने लोग पुष्टि मार्ग जानते हैं? करारा व्यंग है और उसके साथ ही सवाल भी है कि पुष्टि मार्ग की दीक्षा तो दी, लेकिन स्वर्णों में भी क्या कोई जानता है, और जानते हैं तो कितने लोग हैं? यहां भी मेरिट का सवाल है कि मेरिट किस तरह तय की जाती है, वे इसकी ओर इशारा कर रहे हैं। मंदिर मार्ग के प्रबंधकों ने यह बताया कि एक विशेष धार्मिक शाखा का यह मंदिर है और उसमें विश्वास करने वाले ही मंदिर में जा सकते हैं। स्वामी अग्निवेश के साथी कहते हैं कि यह सरकारी नाटक था, सरकार का सहयोग तो होगा ही, यहाँ टेलीविजन तैयार था, सब बातें तय हो चुकी थी, राजेंद्र कुमारी वाजपेयी ने संसद में घोषणा भी कर दी थी। यह शायद इसलिए किया गया था कि स्वामी अग्निवेश के नेतृत्व में भीड़ आई तो गड़बड़ होगी, हरिजनों से अग्निवेश मुर्दाबाद के नारे भी लगवाए। स्वामी अग्निवेश ने यह आंदोलन चलाया था कि दलितों को भी मंदिर में प्रवेश मिलना चाहिए, और ये सारा जो प्रकरण है उसी समय का है, 1988 के आसपास का या उससे एक साल पहले का होगा जब ये लेख लिखा गया, और उसमें ये था कि किस तरीके से टेलीविजन पहले से लगवाए गए थे, सब तरफ उसको प्रचारित किया गया कि कितना मतलब संवेदनशील है धर्म, कि दलितों का मंदिर में प्रवेश कितनी शांति से, कितने प्रेम के साथ करवाया जा रहा है। अग्निवेश उस पुरानी भेद की मान्यता को मिटाने के लिए लड़ते हैं, जरूरी नहीं कि रोज हरिजन जाएं, बहुत करके वे जाएंगे भी नहीं। एक खास दिन के लिए तैयारी करवाई गई थी, खास तरीकों से उनको मंदिर में प्रवेश करवाया गया था, और रोजमर्रा का कैमरा लेके कोई जाता है, देखता है कि रोजमर्रा में भी ये जो स्थानीय दलित हैं ये प्रवेश कर रहे हैं या नहीं। अच्छा कटाक्ष है, रोज रोज के झंझट कौन मोल ले? जहां तक खास मत में मंदिरों का सवाल है, भारतवासी सभी जगह नमन कर लेता है। शिवजी के मंदिर की घंटी बजा दी, कृष्ण और राम की भी आरती कर ली, हनुमान का सिंदूर भी मस्तक पर लगा लिया, हिंदू स्वामी का भी आशीर्वाद ले लिया और मुसलमान फकीर से भी दुआ मांग ली, जगन्नाथ का रथ भी रख लेंगे और मुहर्रम का ताजिया भी। ये एक आम भारतीय के नजरिए को दर्शाता है, आम भारतीयों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये शैव मत है या वैष्णव मत है या कृष्ण भक्ति है या राम भक्ति है या किसी और तरह की भक्ति है, वे तो सब और नतमस्तक रहता है। ये आस्था का सवाल है और हमारे भारतीय आस्थावान होते हैं और सभी देवी देवताओं को खूब मानते हैं। अब नवरात्रे आने वाले हैं, नवरात्रे का जश्न भी होगा, दशहरे का भी जश्न होगा,
हमारे यहाँ तो खैर सारे ही त्योहार मनाए जाते हैं, होली का रंग भी खेला जाता है, दिवाली का दिया भी जलाया जाता है और ईद की सेवइयां भी खाई जाती हैं, क्रिसमस का केक भी काटा जाता है। कभी होता था ऐसा कि शैव और वैष्णव में सिर्फ टव्वल होती थी, देखिए आ गई ना बात कि ऊंचे स्तर पर देखा जाए, ऊंचे धार्मिक स्तर पर तो देवी देवताओं अलग अलग हैं, उनकी संप्रदाय अलग अलग हैं, आम जन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब जो डिवीजन है, विभाजन है, ये सब ऊपर के लोगों का, पढ़े लिखे ब्राह्मणों का बनाया हुआ है, वरना आम जन को तो रोजी रोटी कमाने से फुर्सत नहीं है, तो वे शैव और वैष्णव मत की तरफ कहां ध्यान देंगे। यही नहीं, कृष्ण भक्तों और राम भक्तों में भी लड़ाई होती थी। डॉक्टर राम शरण शर्मा ने लिखा है कि उड़ीसा में कृष्ण भक्त राम मंदिर लूटते थे और राम भक्त कृष्ण मंदिर लूटते थे। मंदिर बैंक थे, अब भी मंदिर खजाने हैं। यह कहना गलत है कि सिर्फ मुसलमान नवाब मंदिर लूटते थे और वह भी धार्मिक द्वेष के कारण। ये तो बड़ी पोल खोल रहे हैं हरिशंकर परसाई जी। इतनी बातें कि राम मंदिर और कृष्ण सॉरी राम भक्त और कृष्ण भक्त जो थे वो आपस में एक दूसरे के मंदिर लूट लिया करते थे, ये बात सिर्फ प्रचारित की गई है गलत तौर पर कि मुस्लिम लोग धार्मिक द्वेष के कारण मंदिर लूटा करते थे। एक नई जानकारी, इसका कोई रेफरेंस या कुछ भी नहीं है, सिर्फ लेख जो है कोरा वही मैं पढ़ रही हूं और हरिशंकर परसाई जी ने रेफरेंस कहां से लिया है इसका भी कोई यहां पर मेंशन नहीं है। एक लेख है जो मैं पढ़ रही हूं और जस का तस ही पढ़ रही हूं, लेकिन ये एक नई जानकारी देता है। गैर मुसलमान भी मंदिर लुटवाते थे, खजाने में धन की कमी हुई तो हुक्म दिया कि अमुक मंदिर लूट लाओ। सबसे ज्यादा मंदिर लुटवाए सम्राट हर्ष ने, जो बौद्ध थे। मुसलमान नवाबों शाहों का कोई मंदिर लूटने का डिपार्टमेंट नहीं था, पर हर्ष के शासन में मंदिर लूटने का एक विभाग था जिसका संस्कृत नाम मैं भूल रहा हूं। अगेन यहाँ किस तरह का कोई रेफरेंस नहीं है कि ये सुनी सुनाई बात वे कर रहे हैं या इन्होंने वाकई कोई जांच पड़ताल की थी ये लेख लिखने से पहले, लेकिन कुछ भी है ये शोध का विषय तो मिल गया लोगों को। स्वामी अग्निवेश का रास्ता वर्ण भेद की उस पुरानी सख्त परंपरा को मंदिर के मामले में तोड़ता है। इसे वे भीड़ भाड़ नाटकीयता से करते हैं, वे राजनीति में भी हैं, इसलिए दर्शकों और अखबारों का ख्याल भी रखते हैं। राजनीति में है तो इसीलिए थोड़ा दृश्य को और मनोरम बनाना चाहिए और दिलचस्प बनाना चाहिए ताकि लोगों की दिलचस्पी उसमें बढ़े। यहां भी टीआरपी की बात हो रही है, उन दिनों टीआरपी नहीं था, मगर टीआरपी के नजरिए से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा ये सारा प्रपंच किस तरह का और क्यों किया जाता था। मेरा ख्याल है मंदिर के प्रबंधकों और पुजारियों को मानना समझना चाहिए और उस परंपरा को सद्भाव से खत्म कर देना चाहिए। स्वामी स्वरूपानंद ने अभी कहा, जिस द्वार से मंदिर में हरिजन आवे उसी द्वार से दूसरे हिंदू तथा शंकराचार्य भी आवे। अपने लिए अलग द्वार, दूसरों के लिए अलग द्वार, ऐसा क्यों? यदि भगवान की नजर में सब एक बराबर है तो फिर अलग अलग द्वारों की जरूरत क्या है? चतुराई का वाक्य है, इससे वह मान्यता टूटेगी, व्यवहार में खास कुछ नहीं होगा। जब तक हरिजन की आर्थिक सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं होगी वह खुद ही इन भव्य इमारतों में नहीं जाएगा। सामाजिक और आर्थिक प्रतिष्ठा, जब ये लेख लिखा गया होगा हो सकता है तब शर्मा शर्मी या दिखावे के लिए प्रवेश करवा दिया जाता हो, लेकिन आज तो खुले तौर पर राष्ट्रपति तक को इजाजत नहीं है मंदिर में जाने की। देश के सबसे प्रतिष्ठित पद पर होने के बावजूद सीढ़ियों पर उन्हें रोक दिया जाता है। वह मान्यता जरूर टूट जानी चाहिए। फिर इस मंदिर प्रवेश आंदोलन में राजनीति घुस आती है। मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में पंडा तराई में मंदिर प्रवेश आंदोलन हिंसक हो गया था, उसमें राजनीति आ गई थी। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद देशव्यापी इसलिए हो गया और खतरनाक हो गया क्योंकि उसमें राजनीति है। हिंदू और मुस्लिम बांट, वरना सरकार में साहस हो तो दोनों को पुरातत्व विभाग को सौंप दें।
कितनी बड़ी बात बोल दी गई। आज भी ये बात उठी थी जब राम जन्मभूमि सौंपी गई थी मंदिर निर्माण के लिए, उस वक्त भी ये बात उठी थी। और पुरातत्व विशेषज्ञों का कहना था कि यहाँ सबसे पहले बौद्ध मठ रहे होंगे, ना ये बाबरी मस्जिद मुसलमानों की भूमि, ना ये राम जन्म के कोई इसमें लक्षण है। लेकिन सरकार में ना तब साहस था 1988 में और ना अब साहस है। दोनों सरकारों की तुलना कर लीजिए। गुरु नानक के बारे में एक किंवदंती है, बगदाद में वे मस्जिद की तरफ पांव करके सो रहे थे। ऐसी कहावत है, मशहूर कहावत है, सुनिए। किसी ने उन्हें उठाया और कहा कि तुम मस्जिद की तरफ पांव करके सो रहे हो, यह गलत है, नानक दूसरी तरफ पांव करके सो गए। उस आदमी ने देखा कि मस्जिद उनके पांव की तरफ खिसक गई। किंवदंती है मगर अर्थ गहरा है, बिल्कुल सही। ये सिर्फ एक कही सुनी बात है लेकिन इसके अर्थ ही सब कुछ है, वही जानिए। पूजा स्थल भव्य इमारतें हैं, धर्म नहीं है। सच्चा धर्म भावना और आचरण में होता है। एक मनुष्य होकर मनुष्य की इंसान एक इंसान होकर दूसरे इंसान की जो कद्र ना करे वह हिंदू या मुसलमान कुछ भी नहीं है। जिसे सर्वव्यापी माना जाता है वह मंदिर या मस्जिद की कैद में नहीं है। गरीबों के झोपड़ी नुमा मंदिर में भी भगवान है और विशाल भव्य मंदिर में भी। जितनी विशाल धर्म की जरूरत होगी उतना बड़ा झगड़ा होगा और इमारत भी उतनी ही भव्य बनेगी। राम मंदिर धार्मिक जरूरत, राजनीतिक जरूरत ज्यादा है बजाय आस्थावान के। इसी वक्त बिहार से खबर आई कि 11 हरिजन मार डाले गए। मंदिर प्रवेश का अधिकार बाद में आता है, पहले जीने का अधिकार है। संविधान में यह है पर बिहार में नहीं है। कितना गहरा कटाक्ष है। संविधान सबको समान रूप से जीने का अधिकार देता है लेकिन संविधान के बाहर असल जीवन में कुछ और घटता है। और जगह भी जहां माफिया गिरोह है जीने का अधिकार नहीं है। ऐसी खबरों से ना बिहार को कोई आघात लगता है ना देश को। संवेदना कुंठित हो गई है। ये नीच वर्ण के लोग नीचे वर्ग से भी हैं। नीच वर्ण के लोगों को सामाजिक स्तर पर ही नहीं काम धंधों के व्यवसायों के स्तर पर भी बिल्कुल नीचे लाकर खड़ा कर दिया है। वे ज्यादातर बंधुआ मजदूर हैं, बेगार काटने वाले लोग हैं, खेत मजदूर हैं, बंधुआ मजदूर हैं। ये जमींदारों के झगड़ों में शिकार होते हैं। किसानों के नाम पर जो संगठन बने हैं उनके संघर्ष के भी शिकार हैं। हर घटना के बाद औपचारिकताएं होती हैं, मुख्यमंत्री वहां जाते हैं या किसी मंत्री को भेजते हैं। पुलिस सक्रिय, एक बार फिर सरकार सुरक्षा का आश्वासन देती है और कहती है ऐसी घटना कभी नहीं होगी। फिर हफ्ते भर बाद फिर घटना हो जाती है। तो यहाँ पे सिद्धांतों की व्यर्थता वाले लेख को भी रखा जा सकता है कि कोई सिद्धांत नहीं है, या यूं कहूं कि वो तो होते ही तोड़ने के लिए हैं जो एक हफ्ता भी नहीं टिक पाते हैं। विपक्ष इतना करता है कि सरकार से इस्तीफे की मांग करता है। कांग्रेस में विरोधी गुट भी यही चाहता है। आर्थिक कारण मिटाए नहीं जाते, भूमि सुधार लागू नहीं किए जाते, न्यूनतम मजदूरी दिलाई नहीं जाती, सामंतवाद का खात्मा नहीं होता क्योंकि सामंतवाद के दम पर ही लोकतंत्र चल रहा है। कितनी बड़ी बात कह गए कि राजनीति व्यावहारिक तौर पर एक अलग बात है और आदर्शवाद एक अलग चीज है। सिद्धांतों की व्यर्थता में हमने ये बात पढ़ी थी कि आदर्शवाद कुछ अलग चीज होती है जबकि राजनीति ठोस धरातल वाली होती है। स्वामी अग्निवेश बंधुआ मुक्ति आंदोलन चलाते हैं, ये अच्छी बात है, मगर आर्य समाजी हैं तो कुछ अर्थों में पुरातन पुनरुत्थानवादी होंगे ही। फिर भी उनके आंदोलन से कुछ कुप्रथाओं और मनुष्य विरोधी मान्यताओं के खिलाफ जनमत बनता है। सती प्रथा पर वे पुरी के शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करने वाले थे।
अब शास्त्रार्थ अर्थहीन है। अगर निरंजन देव जीत जाते हैं तो क्या भारतीय संविधान में सती प्रथा को मान्यता मिल जाती? एक गहरा कटाक्ष है कि ये सब कुछ एक आई वॉश के तहत किया जाता है। ये जो शास्त्रार्थ होते हैं, इनके होने से क्या होता? यदि अग्निवेश हार जाते तो क्या सती प्रथा मान्यता मिल जाती उसको? जितनी भी औरतें विधवा होती हैं वे सब चिता पर जल के मर जाएं? या अग्निवेश कहते कि मैं हार गया, निरंजन देव सही कहते हैं, पुनरुत्थानवाद से पुनरुत्थानवाद के हथियार से नहीं लड़ा जा सकता। आज जो प्रश्न है उस पर बहस आज के संदर्भ में ही हो सकती है, पुराने ग्रंथों में उसका हल नहीं खोजना चाहिए। शास्त्रार्थ करने के लिए हमारे यहाँ संसद है, विधानसभाएं हैं। निरंजन देव और अग्निवेश दोनों ही प्राचीन में जाएं तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। आज के संदर्भों में ये बात करने को तैयार नहीं है कोई भी, ना नेता, ना राजनेता, ना कोई धार्मिक नेता। ये लोग सिर्फ पुरानी बातों को उखाड़ते हैं, एक दूसरे पर छींटाकशी करते हैं, लेकिन निष्कर्ष उसका कुछ नहीं निकलता। सामाजिक व्यवस्था जस की तस बनी रहती है। धर्म की भूमिका हमेशा प्रगतिशीलता विरोधी रही है। कहते हैं ईरान में आयतुल्ला खोमेनी के नेतृत्व में शिया संघर्ष ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मगर फिर ईरानी शासन कैसे गायब, कैसा हो गया? ईरानी समाज का क्या हाल हुआ? और अरब जगत में शिया उन्मादी दस्ते कितना उधम मचाते हैं, ईरानी समाज तो पिछड़ गया। यह बात आज की हिंदू राष्ट्र की मांग पर भी फिट बैठती है। थोड़ा सोचिएगा ध्यान से इन सब बातों को लेके। मगर रूस में जो हो रहा है वह समझने की जरूरत है। वहां धर्म पर पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनास्त का क्या असर पड़ा? दूसरी ऑर्थोडॉक्स चर्च की स्थापना की 1000वीं वर्षगांठ बड़े धूमधाम से मनाई गई। ऑर्थोडॉक्स मतलब एकदम पुरातन तरीकों से सोच विचार कर चलने वाले लोग, उन्हें ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है, जो कुछ नयापन आजमाने को भी तैयार नहीं होते हैं। परंपराएं जस की तस थोपने में उनका ज्यादा विश्वास होता है। उनकी भी वर्षगांठ इतने धूमधाम से मनाई जाती है और सभी लोग उसमें शामिल होते हैं। शामिल होने का कहीं ना कहीं यही अर्थ लगाया जा सकता है कि आप भी ऑर्थोडॉक्स सोच और संस्कारों को बढ़ावा दे रहे हैं। सोवियत पत्र पत्रिकाओं में धुआंधार प्रचार। रूसी कार्डिनल कहते हैं हम पेरेस्ट्रोइका का समर्थन करते हैं, पेरेस्ट्रोइका से चर्च को बड़ा लाभ हुआ है, वहां हरे कृष्णा हरे राम यानी कि इस्कॉन वाले भी पहुंच गए हैं। पश्चिम बंगाल में कृष्णनगर में इनका एक आश्रम है जो उधर के निवासियों और सरकार के लिए सिर दर्द है, मगर वे रूस पहुंच गए हैं। इतना ही नहीं, भारत में इस्कॉन के उत्सव में एक रूसी कूटनीतिज्ञ ने भाग भी लिया। मार्क्स ने कहा है धर्म आत्महीन जगत में आत्मा की पुकार है। धर्म सुख का भ्रम पैदा करता है जबकि मनुष्य वास्तविक सुख चाहता है जो सामाजिक परिवर्तन से आता है। बहुत बड़ी बात कार्ल मार्क्स कह गए हैं कि धर्म में क्षणिक सुख तो होता है, थोड़ी देर भजन कीर्तन जब आप करते हैं तो हो सकता है आपका मन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए, धूप बत्ती जला के मन शांत हो जाए, उस आस्थावान माहौल में, उस धार्मिक माहौल में रहकर। लेकिन जैसे ही आप उस माहौल से बाहर आते हैं आपको वास्तविक चीजें चाहिए होती हैं। यदि घर में इस बात की चिंता औरतों को होती है जो कीर्तनों से लौटती है, मैंने देखा है अक्सर, मैं कभी नहीं गई लेकिन मैंने देखा है आस पड़ोस की औरतें जो जाती थी वहां भगवान का ध्यान करके आती थी, बहुत आस्थावान होकर आती थी और आते ही सबसे पहले फटाफट लग जाती थी, अरे प्याज नहीं कटा, अरे यार कुकर पे कितनी सीटी आ गई, ध्यान नहीं, दाल चढ़ी कि नहीं चढ़ी, चावल तो नहीं कच्चे रह गए। तो जैसे ही आप उस माहौल से बाहर आते हैं आप अपने वास्तविक दुनिया में पहुंच जाते हैं। और सामाजिक परिवर्तन यदि नहीं है कहीं पर तो धार्मिक क्षणिक सुख का कोई मतलब नहीं है। आत्मिक शांति तो सामाजिक परिवर्तन से ही मिलेगी। रूस में धर्म पर औपचारिक पाबंदी कभी नहीं रही। चर्च हैं, मस्जिदें हैं, बौद्ध मठ भी हैं, पर शिक्षा और दीक्षा के कारण धर्म मनुष्य के लिए जरूरी नहीं रहा। पर अब ये पुनरुत्थान हो रहा है। समाजवादी समाज में अग्रगामी शक्तियों के साथ मिलकर धर्म प्रगतिशील भूमिका कैसे निभाएगा, ये आगे देखना है।
यह लेख अक्टूबर 1988 में उन्होंने लिखा था, इस पे डेट मेंशन है इसलिए मैं आपको बता पा रही हूं। उस समय से आज के समय तकरीबन कितने साल हो गए हैं, 32-33 साल का लंबा समय हम पार कर चुके हैं, लेकिन ये अग्रगामी होने के बजाय और ज्यादा पीछे खिसक गया मौजूदा सरकार के चलते। आज का ये लेख आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और सोच विचार भी करिए इन लेखों के ऊपर। इनको सिर्फ मैं पठन ही नहीं करती हूं, उससे पहले मैं दूसरे लेख और उसके ऊपर सर्च भी करती हूं। जैसे आज के लेख के लिए मैंने खासी सर्च करी थी, कई तरह के आर्टिकल्स को मैंने पढ़ा था, ये देखिए। फिर उसके ऊपर छोटे छोटे नोट्स भी बाकायदा बनाए थे, इंपॉर्टेंट लाइंस को मार्क किया था आप लोगों के लिए। इन लेखों के ऊपर एपिसोड्स बनाने से पहले बहुत गहन रिसर्च हम लोग करते हैं, लेकिन ये समाज का भी कर्तव्य बनता है कि इन्हें ध्यान लगाकर सुने और अपनी सोच के दायरे को थोड़ा व्यापक करें। यदि ये लेख कोई बदलाव नहीं ला पाते हैं तो इनको बनाने का मतलब, इनकी प्रासंगिकता भी बहुत कम रह जाती है। इसीलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।